आज के समय में भी है बेमिसाल गुरु आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं बुद्ध रूपी गुरु एकापोल चांदावोंग से शुरू करनी ही होगी गुरु और शिष्य की सही परंपरा। पिछले समय में गुरु शिष्य परंपरा का जितना विकृत रूप सामने आया है उतना इससे पहले कभी नहीं देखा आशाराम निराशाराम से लेकर राम रहीम दाती तक ना जाने कितने ढोंगियों की चरण वंदना की जाती रही इस बीच एक अच्छी खबर आई थी तमिलनाडु के थिरुवल्लूर के सरकारी स्कूल की जहां युवा शिक्षक श्रीजी भगवान के तबादले पर छः से दसवीं तक के बच्चे खूब रोए उन्हें देख शिक्षक भी रो उठे यही तो होती है गुरु शिष्य परंपरा। अब रुक करते हैं थाईलैंड के पच्चीस वर्षीय युवा कोच एकापोल चांतावों के बारे में एकापोल ने 10 वर्ष की उम्र में ही माता पिता को खो दिया था धीरे धीरे उन्होंने मोह के बंधनों से मुक्त होने के लिए मठ जाना आरंभ कर दिया और बौद्ध भिक्षु बन गए फिर अपनी बीमार दादी की सेवा के लिए तीन साल पहले ही मठ छोड़कर सांसारिक जीवन अपनाना पड़ा और जीविकापार्जन हेतु फुटबॉल टीम में जूनियर कोच की भूमिका निभाने लगे एका पोल सांसारिक जीवन में आ तो गए लेकिन खुदगर्जी से कोसों दूर ही रहे दादी की सेवा करते हुए वो अपनी टीम के बच्चों को वैसे ही तराशते रहे जैसे मठ में उनके बौद्ध गुरुओं ने और किताबों ने उन्हें तराशा होगा उन्होंने बच्चों को सिर्फ मैच में जीतना नहीं सिखाया बल्कि जिंदगी के कठिन रास्तों और खुद पर जीत के अनमोल पाठ भी पढ़ाए जब बच्चे छियांग राय की थैमलुंग गुफा में फंस गए थे तो बाहर की दुनिया से आवाजें आ रही थीं। कोच बच्चों को लेकर मौत की गुफा में गया ही क्यों लोग भूल गए थे कि इस कोच का नाम एकापोल है वो बच्चों को लेकर अक्सर गुफा में जाया करते थे मौत के डर अंधेरे के डर और मुश्किलों पर जीत हासिल करने वाले यह लगातार वहां जाने की प्रैक्टिस और एकापोल का हौसला ही था कि गुफा में दस किलोमीटर अंदर कीचड़ दलदल में फंसे बच्चों का हौसला नहीं डकमगाया वे अपने डर को काबू में कर अट्ठारह दिन अंधेरों से जीतते रहे जहां आज पूरे विश्व पर डिप्रेशन और नकारात्मकता हावी है ये बच्चे अपनों से दूर अंधेरी गुफा में थे इनके पास जो खाना था वो ख़त्म हो चुका था गुफा में हर आने वाला पल मौत की दस्तक दे रहा था उसके बाद भी इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी रही कारण यह था कि इन्हें जिंदगी और मौत के बीच जूझते वक्त इस गुफा में स्वयं से जीत का पाठ पढ़ाने वाले गुरु एकापोल हर पल साथ थे विश्व के इतिहास में गुरु शिष्य परंपरा के रूप में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई ये कहानी शुरू होती है तेईस जून के दिन खिलाड़ी अपने कोच के साथ एक दोस्त का जन्मदिन मनाने गुफा में गए थे बाढ़ के पानी के कारण वहीं फंस गए गुफा के मुहाने पर बच्चों की साइकिल देख अंदाज़ा लगाया गया कि बच्चे गुफा में होंगे फुटबॉल टीम के एक खिलाड़ी जो तबीयत ख़राब होने के कारण प्रैक्टिस में नहीं गया यह राज खुला वे सभी अक्सर उस गुफा में जाया करते हैं नौ दिन बाद यह खुलासा हो पाया कि बच्चे गुफा में कहाँ फंसे हैं सोचिए अंधेरी गुफा में चारों तरफ पानी और कीचड़ बच्चों के पास सिर्फ चार दिन का भोजन ऐसे में एकापोल अट्ठारह दिन तक बिना कुछ खाए रहे उन्होंने बच्चों को ध्यान की मुद्रा सिखाई अपने डर पर जीतना स्वयं पर जीतना सिखाया दुनिया का सबसे मुश्किल पाठ जिसे सीखने में सारी उम्र खप जाती है उसे एक पल में ही बच्चों को सिखा दिया स्वयं पर विश्वास करना विपरीत परिस्थितियों में स्वयं पर काबू रखना घबराहट और डर से जीतना बच्चों से संपर्क के समय जो पहली बात बाहर आई थी वह थी हम सब ठीक हैं पहली चिट्ठी बाहर आई गुरु क्षमा मांगता है वादा करता है विश्वास दिलाता है आपके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरे कारण वे विपरीत परिस्थितियों में फंस गए माफ़ कर दीजिए यही बच्चे कहते हैं वे बहादुर हैं ठीक हैं हमें बाहर आकर पसंद का खाना खाना है अपने बड़ों के कामों में सहयोग करना है जल्दी ही मुलाकात होगी बच्चों के काम में बहादुरी और अपनत्व का यह मंत्र फूंकने वाले गुरु का नाम है एकापोल अब एकापोल की दुनिया से निकलकर हम अपनी दुनिया की ओर आते हैं हमारे यहाँ हर गली और चौराहे पर स्वयंभू गुरु फैले पसरे पड़े हैं ये कभी आपको ग्रह दोष से डराते हैं तो कभी दुनियादारी से कभी लोकलाज का डर दिखाते हैं तो कभी तंत्र मंत्र की शक्ति का एकापोल के बहाने एक बार स्वयं के मस्तिष्क को झिझोड़ कर देखिए और सोचिए क्या सच में ये गुरु कहलाने लायक भी हैं गुरु वह होता है जो अंधेरों में रास्ता दिखाए ये तो वे ढूंगी हैं जो डर की सत्ता पर अपना साम्राज्य चलाते हैं गुरु वो है जो अपने हिस्से का भोजन अपने शिष्यों में बांट दे ये गुरु घंटाल हैं जो आपको डराकर भय दिखाकर हर काम की मोटी तगड़ी राशि वसूलते हैं एकापोल चरण वंदना तो आपकी होनी चाहिए जो डर के हिज्जों को उल्लास की किरणों में बदलने का हौसला रखते हैं जिसके विश्वास पर ग्यारह साल की उम्र का सबसे छोटा खिलाड़ी टाइटन अंत तक गुरु के साथ गुफा में रहने का फैसला करता है टाइटन ही वह जिसे एकापोल से पहले अर्थात सारे खिलाड़ियों में सबसे अंत में बाहर निकाला गया एकापोल ये आप ही हैं जिनके कारण अंधेरी गुफा में अट्ठारह दिन बिना खाने के फंसे होने के बावजूद बच्चे मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रहे बाकी तो सब गुरु घंटाल हैं जो सुशिक्षित समाज में विकृति का जहर घोल रहे हैं आप जैसा गुरु निराशा से आशा अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है वहीं नकली गुरुओं के चक्कर में हम लोग रोज नए निराशा राम की छवि गढ़ रहे हैं अपने समाज पर थोप रहे हैं आपका हृदय की गहराइयों से शुक्रिया मुझे जीवित रहते हुए बुद्ध के दर्शन हो गए अन्यथा बचपन और किशोरावस्था की कि कई रातें यह सोचते हुए करवटों में बदली है सिद्धार्थ का बुद्ध रूप वास्तव में सत्य है या अतिशयुक्ति आपको देखकर विश्वास हो गया जब बौद्ध शिक्षा शिष्य को इतना महान बना सकती है तो स्वयं बुद्ध कितने अद्भुत और महान रहे होंगे नमन है आपको इन विचारों से आप भी सहमत हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद